हे गाइस, वेलकम टू गीक्स नॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये नॉर्मल नंबर से 1 टू लेके 15 तक, क्योंकि हेक्साडेसिमल का रेंज होता है 0 से F, F यानी 15 होता है नॉर्मल नंबर में। तो चलिए बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है BA.BC। तो बी मतलब 11। तो 11 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 8 + 2 + 1, तो 8, 2 और 1 की जगह पे 1 होगा और 4 की जगह पे 0, तो 1 और ये 1। फिर ए यानी 10। तो 10 को कैसे लिखेंगे? 8 + 2, तो 8 और 2 की जगह पे 1 आएगा और 4 और 1 की जगह पे 0 आएगा। डॉट डालेंगे। फिर डी, तो डी है 13। तो 13 मतलब 8 + 4 + 1 का कॉम्बिनेशन, तो 8, 4 और 1 के जगह पे 1 आएगा और 2 के जगह पे 0 आएगा। फिर सी है, सी मतलब 12। तो 12 मतलब 8 + 4, तो 8 और 4 के जगह पे 1 आएगा और 2 और 1 के जगह पे 0, 0। बस अभी इसको बेस 2 लगा दो, हो गया आपका कन्वर्जन। तो अभी ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमें हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी में जो कन्वर्ट किया हुआ वो नंबर चाहिए। तो पहले मैं बाइनरी नंबर लिख लेता हूँ, और फिर हमें पता है कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ग्रुप ऑफ 3 बनाने का है, पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम लोग ग्रुप ऑफ 3 बनाते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर भी तो यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में 10 कम पड़ रहा है, तो मतलब एक डिजिट कम पड़ रहा है 3 का ग्रुप बनाने के लिए। और ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, तो मैं 10 ऐड कर दूंगा। तो अभी इसके हिसाब से ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के जगह पे 1 है, तो ये 2 हो गया। फिर ये तीनों जगह पे 1 है, तो 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा। फिर ये वापस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के जगह पे 1 है। डॉट डाला। फिर 4 और 2 के जगह पे 1 है, मतलब 4 + 2 = 6 आएगा। फिर तीनों जगह पे 1 है, तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 4 + 2 + 1 7 होता है। और ये तीनों 0 है, तो इसको नेगलेक्ट किया तो भी चलेगा, या फिर आपने 0 लिखा तो भी चलेगा, पर आपकी मर्जी। नेगलेक्ट किया तो ठीक है, नहीं नेगलेक्ट किया तो भी ठीक है। और इसको बेस देने का 8 का, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट किया हम लोग। तो अभी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर एक नंबर को। तो बी ए, पहले मैं हेक्साडेसिमल नंबर लिख लेता हूँ, तो रेंज भी दे देता हूँ। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 से चालू होते हैं और राइट साइड में -1 से, रेंज दे दी। तो बी मतलब 11। तो 11 इंटू बेस 16 है, तो 16, और बी का जो पोजीशन है वो 1 पे आ रहा है, तो रेस टू 1 आएगा। प्लस ए मतलब 10, बेस है हमारा 16 और ए का पोजीशन है 0 पे, तो रेस टू 0 आएगा। प्लस डी यानी 13, तो 13 इंटू बेस 16 और उसका पावर है -1, मतलब पोजीशन ही वही है। और सी हमारा 12 है, 12 × बेस 16 और रेस टू -2। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैलकुलेटर पे। अब नॉर्मल कैलकुलेट कर लो, प्लस 0.8125 और 12 × 16 − 2 मतलब 12/16 = 2। तो ये कैलकुलेटर में आप आराम से कर सकते हो। अभी इसको नॉर्मल एडिशन की तरह ऐड कर देने का,
और ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर, बेस 10 लिख दिया। प्लीज़ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करते रहना। थैंक यू।